है नहीं सवाल बाल बच का, जब खुद ये मरना चाहता है मत देना मत देना। हे वायु हे पृथ्वी हे सभी देवी देवताओं मत देना कोई दोष मुझे, अब परसा इसे तो पत्ते जैसे हो गए हैं। वह बच्चे हैं मुनिवर, हमारी तरफ से इन बच्चों को माफ करें और क्रोध करके क्रोध क्षमा करें मुनिवर। अच्छा मुनिवर का आज्ञा से चलो इसको छोड़ देता हूँ मैं, अब तक जो मैंने क्रोध किया सब वापस ले लेता हूँ मैं। देखो उस वर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है, उसका यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे याद जलाती है। अरे उसको भी तो कोई शिक्षा दो, उसको भी तो कोई शिक्षा दो, क्यों मुझे ही सब समझाते हो, मेरी आंखों से आगे से किस लिए नहीं से हटाते हो। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती पिटी होती है तो हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो उसे साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लेना, दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लेना। ये छेड़छाड़ ही भाती हो तो पूरा व्याख्यान सुना डालो। अपनी दासों का लहू पिए ताऊ भला कब परसे की, अपने दासों का लहू पिए ताऊ भला कब परसे की, गुनाह हमारी गर्दन से छाया में अब परसे की, तुम्हारी बातें सुन गरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर बात आती है। देखो उस वर सनिक देखो, देखो उस वर सनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है, उसका रह रह का मुस्कुराना बिजलियां भर गिराती है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में से चपड़ा हुआ, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा
में पढ़ते हैं। पैसा पहाड़ हो गया मेरा तो नहीं खाए उसे हैं। जरा संभलना इसी जगह मुंह रत होकर न रह जाना, ऐसा ना हो पड़े हमें पर यहीं पर आपकी मंदिर बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं रखते हैं, मुनि राज अगर स्वीकार हो तो सेवा में हार फेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातें कर चोटों को मेरी सेक रहा। यह तो गरम नरम भैया क्या कुटिल नीति है दोनों की, अरे यह तो गरम नरम भैया क्या कुटिल नीति है दोनों की। तू विश्वामित्र देख रहे हो चालाकी अपने चलो भी, मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मुझ पर ही छीन कर मेरा नाम मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनि राज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिचावट को देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है वह नाम क्षत्रिय का क्यों है। मुनिराज क्रोध त्याग दीजिए, गुना थे आप में और मुझ में सोते तो कितना अंतर है, गुना थे आप में और मुझ में सोते तो कितना अंतर है। पर है ये परशुराम ये राम नाम चरणों पर है, ये राम नाम चरणों किसका है नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है होता है जिसका नाम बड़ा, होता है जिसका नाम बड़ा। इतना सभी ने हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम कितने निवते जाते हैं प्रभु से करते जाते हैं। मुनिराज ऋषि मुनियों का क्रोध करना अच्छा नहीं है, क्रोध त्याग दीजिए और सुनिए। इतनी हट इतनी झुंझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, इतनी हट इतनी झुंझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है प्रभु मुनिराज हम मिल जाए, मिलने में है आनंद सदा प्रभु पैर विरोध नहीं अच्छा, प्रभु पैर विरोध नहीं अच्छा। मुनिराज मुनिराज बिगड़ जाए जो हम कहीं अनर्थ हो जाए ना, हम कहीं अनर्थ हो जाए ना। सूर्य वंश ने जन्म लिया है धनुष बाण है साथ। मुनिराज सुनिए, अभिमान प्रशंसा रोक नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम,
अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक खेलता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। जब पुल के रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख को उससे लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए हम कभी न उससे डरते हैं। बस एक शस्त्र है महाशस्त्र, उससे हम आदर करते हैं। यह हम अपनी माताओं बहनों से चाहेंगे कि वो लोग अभी बैठ जाए। कृपया अभी माता सीता जी का विवाह आप लोगों के बीच में दिखाया जाएगा। अयोध्या नगरी से बारात लेकर महाराज दशरथ अपने समस्त पुत्रों के साथ महाराज दशरथ बगे अयोध्या नगरी से बारात लेकर आएंगे। बासी खवाया जाएगा, गाड़ी भी गाया जाएगा, सब कुछ होगा। इसलिए अपने सभी माताओं बहनों भाई लोगों से चाहेंगे कि वो लोग कृपया अभी आसन ग्रहण करके बैठ जाए। लोहे का है फिर वो ना हाथ में रहता है। वह शस्त्र न लोहे का है फिर वो ना हाथ में रहता है। जी भाई, वो प्रभु से अलग नहीं सर्वथा साथ में रहता है। बतला दे वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है। गिराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। हाँ यही शस्त्र है। हमें उसी चरणों का, उसी चिन्हों का हम आदर करते हैं, वही साथ है। यदि उसका आप प्रयोग करें मुनिराज, यदि उसका आप प्रयोग करें तो तथस्थल ये हाजिर है। श्री राम के तथस्थल में तो हमारे पूर्वजों ने भगवान कृष्ण के वक्ष स्थल में दिए हुए चिन्ह दिखाई देते हैं। लगता है अब इस पृथ्वी लोक में पापों का नष्ट करने के लिए स्वयं विष्णु अपना अवतार ले लिए हैं। इनका परीक्षण करना पड़ा, ये भगवान विष्णु है या कोई और। हे राम, हमारे पास अगर आप वही विष्णु हो, हमारे मन में जो संदेह है आप उस संदेह को अगर दूर कर लेते हो तो हम समझेंगे आप वही विष्णु हो। हमारे पास विष्णु का किया गया या पिनाक है, इस पर चाप चढ़ा कर दिखाओ। अगर आप चाप चढ़ाने में सफल हुए तो हम मान लेंगे आप भगवान विष्णु हो। जो आज्ञा मुनिराज। भगवान विष्णु के चरणों में परशुराम का प्रणाम। सीता लक्ष्मी का ऐसे सभी बाबा मुनिराज। उधर भगवान कृष्ण श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की जेना बोले जय जगत थरिया लेता गए।